अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वजीफे के बारे में जो बहुत ही कामयाब और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफे को रमज़ान के महीने में किया जाता है, क्योंकि रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाला महीना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें इस रमज़ान के महीने में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, रमज़ान के महीने में 3 दिन तक लगातार करने वाला ये वजीफ़ा है। आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको ईशा की नमाज मुकम्मल अदा करनी होगी। उसके बाद वहीं जा नमाज पर बैठकर आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़नी होगी। जो दरूद शरीफ आपको याद है वही पढ़ लें। फिर इसके बाद आपको 51 बार अल्लाह का नाम लेना होगा, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। इस तरह से आपको 51 टाइम्स आपको यह नाम लेना होगा। फिर 3 बार वही दरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था उसको पढ़ना होगा। इस तरह से आपका वजीफ़ा मुकम्मल होता है। वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपनी नेक हाजत के लिए दुआ मांगे, जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे। इस वजीफे की बरकत से, इस महीने की रहमत से, इस वक्त आप लोग जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। जो शख्स इस वजीफे को करता है उसकी तमाम बीमारियों में अल्लाह ताला शिफा देता है। जो इस वजीफे को करेगा अल्लाह उस बंदे की तमाम हाजतों को पूरा करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस वजीफे के सदक़े तमाम मुसलमानों की बीमारियों को दूर करें, तमाम मुसलमानों की दुआओं को कबूल करें, तमाम मुसलमानों की हाजतों को पूरा करें। दोस्तों, आखिर में आपसे एक दिली गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इस वजीफे को करने से उन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अगर उनको फ़ायदा पहुँचेगा तो आप